अब शिवजी का ब्याह गिरजा यानी कि पार्वती के साथ हो जाता है और इस भगवान के बारे में कि इनका ये तो अंतर्यामी है, इनका पता ही नहीं किस रूप में आ जा, कवि की क्या कल्पना है भला। हे अलख अनादि अंतर्यामी अविनाशी आनंद दाता ए जन्मा ए अजर अमर तू कहीं नजर में ना आता। अलख अनादि करता हो आप प्रभु जी और सब कुछ करने वाले हो, असुर निकंदन बंधन पापों के हरने वाले हो, अति उत्तम रूप अब है हो कभी ना डरने वाले हो, तीन गुणों से अलग कभी तीनों में फिरने वाले हो, तीन गुणों से अलग कभी तीनों में फिरने वाले हो। हे परम दयालु हे परम आत्मा भेद किसे न ना पाता, है जन्म्या हे अजर अमर तू के सर्व शक्तिमान प्रभु जी और सकल जगत आधार तू ही, सर्वेश्वर और सर्वव्यापक रे सबके भीतर बाहर तू ही, नाथ निरंजन नारायण निराकार साकार तू ही, सृष्टि रचता पालन पोषण फिर करता संहार तू ही, सृष्टि रचता पालन पोषण फिर करता संहार तू ही, एक मकड़ी के सा जाल पूर फेर सारे में अपने खाता, है जन्म्या है से हृदय रूपी आंगन में हर वासुदेव जी वास करें, उनको दर्शन हो जाते जो श्रद्धा और विश्वास करें, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सब तेरे मिलन की आस करें, जन्म सफल हो
जाता उनका जो लगातार अभ्यास करें। जन्म सफल हो जाता उनका जो लगातार अभ्यास करें। अज्ञान रूपी आवरण हट जा जो तेरे प्रेम से गुण गाता। जन्म आहे अजर अमर तू कहीं नजर में ना आता। जन्म आहे अजर अमर तू कहीं नजर में ना आता। कोई मन मूरखों भूल गया अपने सच्चे हितकारी ने। बार बार कर नमस्कार उस प्यारे कृष्ण मुरारी ने। तेरा भेद नहीं योगी भोगी साधु सिद्ध ब्रह्मचारी ने। जगन्नाथ बेचारा के जाने हे प्रभु लीला थारी ने। जगन्नाथ बेचारा के जाने हे प्रभु लीला थारी ने। ये नहीं किसे ने जान कहे दिन फिर भी नहीं रहा जाता। भाइयों आप जब भी कैसेट खरीदें तो उसके ऊपर MAX मैक्स मार का जरूर देख लें। धन्यवाद।